आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम बनाने वाले हैं लौकी की खीर। खीर बनाने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। खीर बनाने के लिए हमने सामान ले लिया है। हमने लिए हैं मखाने, गरी, एक कटोरी चीनी, ड्राई फ्रूट्स में हमने लिए काजू, किशमिश, बादाम और इलायची। हमने लिए हैं गुलाब की पत्तियाँ और हमने एक लौकी ली है और हमने दूध लिया है। दूध को हमने उबलने गैस पे रख दिया है। जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम लौकी को छील लेंगे और इसको किस लेंगे। इसको हमने छील के धो लिया है। अब हम इसको किसेंगे। लौकी हमारी किस चुकी है। अब हम इसको फिर से धो लेंगे। हमने लौकी को धो लिया है। अब हम इसको दूध में डाल देंगे। दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें लौकी को डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 20 मिनट तक हम इसको गैस पे रखेंगे। हमारी लौकी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और ये अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स पे हमने मखाने डाल दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश। अब हम इसमें ऐड करेंगे करी। अब हम ऐड करेंगे गुलाब की पत्तियां। अब हम इसमें ऐड करेंगे काजू बादाम। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची। अब हम लास्ट में ऐड करेंगे इसमें चीनी। हमारी लौकी की खीर बन चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमारी लौकी की खीर रेडी हो चुकी है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है क्योंकि ये लौकी की बनी हुई है। इसको हम व्रत में भी खा सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।